तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर बड़ी अदालत से उम्मीदें लगा ली। तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आने की पेशगोई भी कर दी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर के दावे पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाखबर रहने के लिए बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो नाजरीन, बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक आईन में लिखा है कि आजाद अरकान किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। जब वो किसी भी जमात में शामिल हो जाएंगे तो उन्हें उनकी तादाद के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, लेकिन आईन में ये कहीं नहीं लिखा कि उस जमात को ज्वाइन करें जिसने इलेक्शन कमीशन में लिस्ट दी हो। जब पीटीआई के अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया तभी उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी थी। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो दोबारा शेड्यूल जारी करता। बैरिस्टर अली जफर ने मजीद कहा कि अदालतों में जाना और किसी भी जमात में शामिल होना हमारा हक है। आईन कानून में कोई ममानियत नहीं कि सिर्फ लिस्ट वाली जमात को ज्वाइन करना चाहिए। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी है।